And there he goes. Yes. It's going to be a good end to this game. And what a way to bring up your first half century in T20 Internationals. Ishan Kishan on the top. Goes again. Misses. The tallest man on the field is it. 10 runs of the first two balls. This time, oh, it's Shakala. But finds the fielder. Matt Sean. A deep extra. Yo! 1 for 61 in that ODI victory. गिफ्ट किया है, ज्यादा ताकत लगाई रही है और सफर लंबा तय करा दिया गेंद को और इस छक्के की मदद से अपना शतक पूरा किया सूर्य कुमार यादव ने। इससे पहले ईशान किशन लगा बाहर थी या तो प्लेयर ही बाहर हो गया। इस बात की मैं चर्चा कर रहा था कि हेलो एवरीवन, कैसे हो? और एक वीडियो में स्वागत है। आपने देखा होगा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच एक घमासान तरीके से मुकाबला चल रहा है। इंडिया वर्सेस इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच एक जो 5 मैचों की T20 जो सीरीज थी वो एक बेहतरीन तरीके से चल रही है। जिस तरीके से रायपुर में एक जो मुकाबला चल रहा है वो एक बहुत ही भयानक रूप ले रखा है। रायपुर में जो मुकाबला चल रहा है वो फाइनली जिस तरीके से इंडिया टॉस हार गई थी, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और जो बैटिंग का था प्रदर्शन वो इंडिया को दे दिया गया। जिस तरीके से इंडिया ने बैटिंग करी और बैटिंग करने का जो प्रदर्शन रहा, जल्द से ऐसी 49-50 के समथिंग 3 विकेट गिर चुके थे और 73 के समथिंग 4 विकेट का स्कोर पहुंच चुका था। और जो लास्ट ओवर जो स्कोर बचा था, जिस तरीके के एक मैनेजमेंट थी, इंडिया ने 9 विकेट पर 20 ओवरों में 174 रन का टारगेट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रखा। जिस तरीके से 174 रन का टारगेट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रखा था, उसके बाद जब बारी ऑस्ट्रेलिया की आती है, ऑस्ट्रेलिया ने वो ही एक जिस तरीके से हमारे टीम के कुछ बल्लेबाज प्रदर्शन नहीं कर पाए, वो ही ऐसा ही ऑस्ट्रेलिया की टीम में हुआ। ऑस्ट्रेलिया की टीम में क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया की टीम भी 154 रन ही बनाकर ओवर को 154 रन 7 विकेट और 20 ओवर पूरे खेल लिए गए। ऑस्ट्रेलिया 154 रन ही बना पाई, जो हमारी टीम का एक आंकड़ा लग रहा था कि 174 रन जो बने हुए हैं 9 विकेट के नुकसान पर। ऐसा लग रहा था कि स्टार्टिंग में जिस तरीके से परफॉर्म ऑस्ट्रेलिया कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो 15 ओवर तक ही मैच को अपने काबू में कर लेगी, मगर ऐसा उसका उल्टा हुआ और हमारे टीम के जो गेंदबाज है वो उन्होंने एक जबरदस्त तरीके का प्रदर्शन करा। और उसमें प्रदर्शन करने वाले अक्षर पटेल एक बहुत ही अच्छे परफॉर्म में थे, जिन्होंने 3 विकेट लिए थे कंगारुओं के। और जिस तरीके से कंगारुओं के जो विकेट लिए उनमें बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा। उनको 4 ओवर मिले जिसमें से 4 ओवर में से 16 रन दिए, 3 विकेट उन्होंने चटकाया। मैन ऑफ द मैच भी अक्षर पटेल को ही मिला था। जिस तरीके के 5 T20 जो सीरीज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच जो चल रही थी, उसमें 2 मैच लगातार इंडिया ने जीते थे और जो हाई लेवल के 22 प्लस स्कोर था। और अब बताता हूं मैं जिस तरीके से इंडिया जो परफॉर्म कर रही थी उसमें किन किन लोगों ने कौन से। रिंकू सिंह ने 46 रन बनाए थे 29 बॉलों पर 46 रन बनाए थे। 4 रन से उनकी अर्धशतक रहने से चूक गए। यशस्वी जायसवाल 37 रन बनाकर 28 बॉलों पर 37 रन बनाए और जितेश शर्मा जिस तरीके से 19 बॉलों पर 35 रन बनाकर आउट हो गए, वो भी लास्ट में आके। वो भी उनकी रिंकू सिंह की और जितेश शर्मा की जोड़ी बहुत अच्छे परफॉर्म में थी और उनको भी ऑस्ट्रेलिया ने आउट कर दिया। रिंकू सिंह भी सेंचुरी हासिल करेंगे। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने इंडियन प्लेयर्स को आउट किया, वैसे ही सेम इंडियन प्लेयर ने बॉलरों ने ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन को भी मैथ्यू वाइडे जो 23 बॉल 36 रन बनाकर आउट हो गए। ट्रैविस हेड जो उनका एक जिसको बोलते हैं कि वर्ल्ड कप में 100 सेंचुरी प्लस मारी थी और उनका विलन माना जाता है सेंचुरी फाइनल में, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो फाइनल हुआ था उसमें विलन का रूप निभाया था ट्रैविस हेड ने। और ट्रैविस हेड ने 16 बॉल पर 31 रन, मैथ शॉट ने 19 बॉलों पर 22 रन बनाकर और बाकी अदर जो टीमें थे 10-5-10 बनाकर आउट हो गई। ये कोई खास प्रदर्शन नहीं रहा, 154 रन ही बना पाई थी ऑस्ट्रेलिया। और जिस तरीके से परफॉर्म लेवल चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि 15 ओवर में मैच को फिनिश कर देगी, मगर ऐसा नहीं हो पाया और उसका उल्टा हुआ 154। और जिस तरीके से इंडिया के जो 2 मैच जो जीते थे वो ऑस्ट्रेलिया जो थर्ड मैच जीती थी ऑस्ट्रेलिया उसमें 234 रन का टारगेट को पूरा कर लिया था। ग्लेन मैक्सवेल ने जब वो परफॉर्म में आया था तो उन्होंने सेंचुरी लगाई थी और सेंचुरी लगाकर अपनी टीम को जिताया था। तीसरा मैच 2 मैच कंटिन्यू इंडिया जीती थी, तीसरा मैच ऑस्ट्रेलिया, चौथा मैच भी इंडिया जीत गई है। लास्ट मैच रह गया है जो बेंगलुरु में होगा, देखते हैं किस तरीके से चेन्नई में होगा और देखें किस तरीके का मैच कमासा रहता है, किसके पड़े में वो लास्ट वाला मैच जाता है।
और क्या प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया इंडिया के सामने कर पाएगी। उसमें ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर थे वो काफी चेंज नजर आ रहे थे टीम में, वही तरीके से हमारी एक यंगेस्ट टीम, इंडियन यंगेस्ट टीम थी, उसमें कोई भी सिर्फ सूर्य कुमार यादव और एक खिलाड़ी और थे, दो ही लोग बस उसमें शामिल हुए हैं, बाकी टोटल नए यंगेस्ट खिलाड़ी हैं, उनको भी मौका दिया जा रहा है। उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और ऑस्ट्रेलिया को जो हमें एक जख्म दिए थे फाइनल के, वो भरते हुए नजर आ रहे हैं। क्या फाइनल जो 5 मैचों की जो सीरीज थी, फाइनल देखते हैं किसके पड़े में मैच जाता है और किसका पड़ा भारी होता है, देखेंगे सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।